प्रधानमंत्री ने कहा भारत पाकिस्तान के साथ चाहता है अच्छे रिश्ते। जयपुर में आईसीसी सत्र को संबोधित करते हुए कहा पाकिस्तानी सेना की नियंत्रण रेखा पर कार्रवाई दोनों देशों के संबंधों पर डालेगी नकारात्मक प्रभाव। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नैतिक मूल्यों पर दिया जोर। कहा मौजूदा कानून में बदलाव महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाएगा अंकुश। सोनिया गांधी ने कहा कि गैंगरेप की पीड़िता का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। सोनिया गांधी ने कहा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। एआईसीसी ने राहुल गांधी को पार्टी उपाध्यक्ष बनाने के फैसले को किया अनुमोदित। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। का आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार को लेने पड़े कई मुश्किल फैसले। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला भाषण। कहा सबको साथ मिलकर बदलाव के लिए काम करने की जरूरत। कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं से 100 में से 99 पैसा पहुंचेगा आम आदमी तक। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एआईसीसी बैठक में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास सहित हर मोर्चे पर किया है अच्छा काम। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में एआईसीसी के प्रतिनिधियों ने सामाजिक, आर्थिक और पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। पार्टी के घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में समाज को विकृत करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का किया गया आह्वान। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में हुई बैठक। बैठक में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर की गई चर्चा। जुविनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में मांग की गई है कि गंभीर अपराधों में लिप्त नाबालिग अभियुक्त पर जुविनाइल जस्टिस एक्ट ना हो लागू। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति के कारण हुए रबी की फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए जाएगा केंद्रीय दल। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में गीतकार और फिल्मकार गुलजार के गीतों के संग्रह। उम्र से लंबी सड़कों पर गुलजार का किया गया विमोचन। देश भर में आज पल्स पोलियो महाअभियान। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आज पिलाई जा रही है दवा। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं। भारत वनडे रैंकिंग में पहुंचा पहले पायदान पर। स्पेन के चौथी वरीयता प्राप्त डेविड फेरर ने निशिखोरी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। फेरर ने जापान के 16वीं वरीयता प्राप्त को 6-2, 6-1, 6-4 से हराया। सौराष्ट्र ने ऑफ स्पिनर विशाल जोशी की शानदार गेंदबाजी की मदद से पंजाब को 229 रन से हराकर 75 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई।